विकट बाढ़ की करुण कहानी नदियों का संन्यास लिखा है, बूढ़े बरगद के वलकल पर नदियों का इतिहास लिखा है। घाघरा एक बार फिर खतरे के निशान से 53 सेंटीमीटर ऊपर है और कई गांवों में घरों में पानी घुस गया है। इस वक्त हम ब्यौदा माझा गांव में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक आशियाना है। यहां पर लोगों का बसेरा था, आज यहां देखिए जो सामान यहां पर एक ऊंचे स्थान पर यहां पर टांगे गए हैं, क्योंकि नीचे पूरी तरह से जलमग्न है। इसमें करीब 3 फीट पानी यहां भरा जा चुका है। ऐसे में जो यहां के लोग थे, कुछ लोग यहां से बाहर चले गए, लेकिन जिसके पास कहीं ऊंचे स्थान पर जाने की व्यवस्था नहीं थी, वो मजबूरी में इसी स्थान पर रुके हुए हैं। हमारे साथ इस गांव की एक महिला हैं, देखिए किस तरीके से ये अपने घर पर अपने परिवार के लिए यहाँ पर खाना पका रही हैं। हम इनसे बात करेंगे कि बताइए कि कितनी दिक्कत होती है आपको यहाँ, कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत है सर, यहाँ पर बाढ़ से नहीं, बहुत त्रास हो चुके हैं। कैसे यहाँ पर जिस तरीके से खाना पकाने में कितनी दिक्कत होती है? दिक्कत से सर है, तख्ता पर है, मचाना बंधे है, गैस पर है, इसे तिरपाल तनी ही जो उनके पाए थे वही से नहीं अपन गुजारा करी थे यहाँ पर। तो कहाँ, किस जगह पर रहन सहन कहाँ पे होता है? सर यही पर होता है, मैं तख्ता पर है, नान बच्चे लेकर इसे पे रहे थे, चार पाई पे ऊंचा कहकर पानी में। तो देखिए इन सब का कहना है कि यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी तख्त पर यहाँ पर सुलाया जाता है। तमाम ऐसी समस्याएं होती हैं, क्योंकि तमाम ऐसे जीव जंतु हैं जो यहाँ पर आते हैं, उससे कहीं ना कहीं खतरा बना होता है। लगातार जिला प्रशासन की तरफ से दावे तो किए जाते हैं कि बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्रियाँ पहुँचाई जाती हैं, राहत सामग्रियाँ आती भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो नाकाफी होता है। बताइए कि इस ब्यौदा माझा गाँव में कितनी समस्या होती है, क्योंकि कई गाँवों में पानी भरा हुआ है। सर इस समय मेरा पूरा माझा जलमग्न है, बहुत परेशानी होती है सर। प्रशासन की तरफ से साहब किट बंटवाई गई है, पन्नी बंटवाई गई है, पूड़ी बंटवाई जा रही है, लेकिन साहब ये इतना अंदर गांव है कि यहाँ जो है हर चीज पहुंच पाना बहुत संभव नहीं हो पाता है। हमारे गांव का दौरा बराबर SDM साहब भी किए हैं कई बार, और जिला अधिकारी महोदय भी इसको देख चुके हैं, CDO साहब के साथ लेखपाल भी बराबर संपर्क में है, नावें लगाई गई हैं, लेकिन इतना भयंकर बाढ़ हो जाती है साहब ये तराई में होने के कारण कि सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? राधेश्याम। ये घर आपका है? हमारा है। तो कितनी समस्या होती है, क्योंकि यहाँ पे साहब बहुत समस्या होती, भर जाता है, करिया पानी भी हो जाता है, यहाँ कोई व्यवस्था किट टूट सब कुछ मिल गई है, व्यवस्था सब कुछ हो गया है। अच्छा, यहाँ से अगर आप लोगों को बाहर जाना होता है तो कितनी बड़ी समस्या? हल्के जाता हूँ, उसके बाद वहाँ पे ब्यौदा तरह जाता हूँ, ना मिलते है, ना आई है, प्रधान जी दिला रखे हैं। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि जब यहाँ पर आप लोगों को राहत सामग्रियाँ दी जाती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ पैसा या कोई प्रोत्साहन राशि ली जाती है क्या? हाँ, पैसा मिलता है। नहीं, क्या जो यहाँ पर लंच पैकेट आप लोगों को दिया जाता है उसके एवज में कोई पैसा लिया जाता है? नहीं नहीं, पैसे नहीं लिया जाता। तो यहाँ पर देखिए इन लोगों का कहना है कि जो जिला प्रशासन यहाँ पर जो दावे कर रहा है कि वहाँ पर लंच पैकेट जाती है, लंच पैकेट आती है, तमाम ऐसी अफवाहों के बीच भी इस तरीके की बात आई निकल के कि जहाँ पर लोगों से पैसे लिए जाते हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो समस्या है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि बैराजों से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद घाघरा का जलस्तर बढ़ता है और लगातार करीब 20 गांव इस ब्यौदा माझा के आसपास, बहादुरपुर माझा, ब्यौदा या दत्तनगर, साखीपुर, तमाम ऐसे गांव हैं जो 20 गांव से ज़्यादा हैं कि जहां पर पानी उस गांव में घुस चुका है और यहां से बाहर जाने के लिए लोगों को सिर्फ नाव ही एक सहारा है। गोंडा से राजकुमार सिंह, TV9 भारतवर्ष।